नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DEDSCVI RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी चर्चा आप लोगों की परीक्षा में अर्थात DEDSCVI की SCVI की परीक्षा में प्रथम के बहुविकल्पीय जो 5 प्रश्न आते हैं उसमें संक्षिप्ताक्षर अधिक पूछे जाते हैं, एब्रिविएशंस बहुत पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म पूछा जाता है, उस संदर्भ में यह अंक आपके सामने लेके आया हूं। हम लोग इस अंक में दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में अधिकतम प्रयोग किए जाने वाले जो संयुक्त शब्द हैं, जो संक्षिप्ताक्षर हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे तथा साथ ही साथ हमारी जो नव राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, नव NIs हैं, उनके बदले हुए स्वरूप का, बदले हुए नाम का इसमें हम लोग पुनः से एक बार वर्णन करेंगे। तो इसी कड़ी को आरंभ करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ADIP, जिसको ADIP भी कहते हैं, उसका फुल फॉर्म होगा स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू डिसबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज। ADIP का फुल फॉर्म स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू डिसबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज, ALIMCO, जिसे हम लोग LMCO कहते हैं। LMCO का फुल फॉर्म होगा आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, BEP, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, बिहार शिक्षा परियोजना। अगला BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, प्रखंड संसाधन केंद्र। BRCC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। CP, सेरेब्रल पॉलिसी, प्रमस्तिष्क पक्षाघात। CRC, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, संकुल संसाधन केंद्र। CRCC, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। CWSN, चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। DBCS, डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी। DDRC, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र। DEE, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा और रोजगार विभाग। DES, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड साइंस, शिक्षा और विज्ञान विभाग। DFE, डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन। DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। DPO, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिला परियोजना पदाधिकारी। DRG, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप, जिला संसाधन समूह। EFA, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, कान नाक और गला। ESCAP, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग फॉर एशिया पैसिफिक। HI, हियरिंग इम्पेयर्ड, श्रवण बाधिता। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IE, इंक्लूसिव एजुकेशन,
समावेशी शिक्षा IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसबल्ड चिल्ड्रेन विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा IECYD इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एंड यूथ विथ डिसेबिलिटी IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान IGNOU इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IT इंटिनरेंट टीचर परिभ्रामी शिक्षक LD लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता LND लर्निंग एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर MHRD मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय MoSJE मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय MPBOU मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी MR मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंदता NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIPCCD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NRCI नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर इंक्लूजन NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट आर्थिक सहयोग विकास संगठन OH ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप OT ऑक्यूपेशनल थेरेपी PH फिजिकल हैंडीकैप शारीरिक विकलांग PIED प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसबल्ड POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन PROAP प्रिंसिपल रीजनल ऑफिस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक प्रमुख एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय PT फिजियोथेरेपी PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय पुनर्वास परिषद RRTC रीजनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र SE स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा SENCO स्पेशल एजुकेशन नीड्स कोऑर्डिनेटर विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं का समन्वय करता SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद्यालय प्रबंधन समिति SNE स्पेशल नीड्स एजुकेशन विशेष आवश्यकता शिक्षा SPD स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर राज्य परियोजना निर्देशक SPO स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर राज्य परियोजना पदाधिकारी SRG स्टेट रिसोर्स ग्रुप राज्य संसाधन समूह SSA सर्व शिक्षा अभियान TSG टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप तकनीकी सहयोग समूह UEE यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिककरण UNESCO जिसे यूनेस्को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक
वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनिसेफ UNICEF यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड VEC विलेज एजुकेशन कमेटी ग्राम शिक्षा समिति VH विजुअली हैंडीकैप्ड VI विजुअल इंपेयरमेंट। साथियों अब इसके बाद हम लोग दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाली 9 राष्ट्रीय संस्थाओं के पूर्ण नामों को भी देख लेते हैं। इनमें से कई संस्थानों के नाम PWD RPWD एक्ट 2016 आने के बाद कुछ परिवर्तित हो गए हैं, उनका भी हम नामकरण करते चलेंगे। NIVH PWD एक्ट के अनुसार पहले नाम लेता हूं, उसके बाद RPWD एक्ट के नाम बताएंगे। NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप, जिसका अब परिवर्तित नाम है NIEPVD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी दिव्यांग जन। दूसरा AYJNISHH, फिर से मैं पढ़ देता हूं, AYJNISHH अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड, अब इसका परिवर्तित नाम है AYJNISHD अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन। NIOH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, अब इसका परिवर्तित नाम है NILD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द लोकोमोटर डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन। PDUNIPH पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड, इसका परिवर्तित नाम PDUNIPPD पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विथ फिजिकली डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन। NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, इसका परिवर्तित नाम NIEPID नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। छठा नाम SVNIRTR स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। सातवें संस्थान NIEPMD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन। ISLRTC आठवें संस्थान का नाम ISLRTC इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। नवे संस्थान का नाम NIMHR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, जो सीहोर मध्य प्रदेश में है। अवश्य ही ये शॉर्ट फॉर्म, जो फुल फॉर्म आपको बताए गए हैं, आपके लिए लाभान्वित होंगे। ये फुल फॉर्म बताते हुए आप लोगों के सामने चित्रात्मक स्वरूप भी चल रहा है, आप उसको देख पा रहे होंगे। पूर्व में से ही चित्रात्मक स्वरूप आ रहा है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको नोट कर लें और इसको दोहराएं, जिससे वे इन नामों से पूर्ण परिचित हो जाएं, अपने शब्दावली में इनका प्रयोग करें तथा परीक्षा में पूछने पर इनके उत्तर दे करके आसानी से नंबर प्राप्त करें। धन्यवाद।